हेलो एवरीवन, करंट अफेयर्स थ्रू एमसीक्यू की सीरीज में 14th और 15th फरवरी के हमारे जो करंट अफेयर्स रह गए थे वो लेक्चर हम यहाँ पे करने वाले हैं। दिस इज ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट मी, माय नेम इज प्रिंस लूथरा और इंडिया रैंक 577। और ये जो एमसीक्यूज हैं आपको यूपीएससी एग्जाम में और वेरियस अदर एग्जाम्स में जहां पर करंट अफेयर्स से कंसर्निंग एमसीक्यूज पूछे जाते हैं वहां पर हेल्प करने वाले हैं। गूगल प्ले पर भी आप जाकर जो नेटमॉक की एप्लीकेशन है वहां पर इन एमसीक्यूज को मल्टीपल टाइम प्रैक्टिस कर सकते हैं ताकि एग्जाम से पहले आपकी रिवीजन अच्छे से हो सके। द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, पीआईबी, हम तीनों को कवर करने वाले हैं इन एमसीक्यूज के अंदर। और ये जो मार्किंग स्कीम है हमारी कुछ इस तरीके से रहेगी, तो पेन और पेपर को साथ में लेकर जरूर बैठना है ताकि आप अपनी परफॉर्मेंस को देख पाएं, अपने आप को असेस कर पाएं कि आप कहां पे फॉल करते हैं। तो 8 to 10 एमसीक्यूज अगर आप करेक्ट कर पाते हैं तो एक्सेलेंट परफॉर्मेंस, 6 to 7 एमसीक्यूज करेक्ट कर पाते हैं तो गुड परफॉर्मेंस। ये जो है आपका सेफ जोन है बिकॉज यहां पे प्रीलिम्स होने के चांसेस काफी ज्यादा होते हैं बिकॉज यू आर स्कोरिंग मोर देन 120 मार्क्स ईयर, मोर देन और इक्वल टू 60% का मार्क्स यहाँ पे आपके रहते हैं। 4 to 5 एमसीक्यूज अगर आपके करेक्ट होते हैं ये डेंजर जोन होता है बिकॉज ये 40 to 55% वाला जोन है जहां पर यू आर नॉट सो श्योर कि आपके जो मार्क्स हैं वो प्रीलिम्स की कट ऑफ के ऊपर जाएंगे या नीचे। लेस देन इक्वल टू 3 एमसीक्यूज में प्रीलिम्स के होने के चांसेस काफी कम होते हैं, लेकिन अगर नीचे के ब्रैकेट में भी आप स्कोर कर रहे हैं देन यू कैन ऑलवेज इंप्रूव और अपर ब्रैकेट्स में आप यहाँ पर आ सकते हैं। तो यहाँ पे करना क्या है आपको, रिविजन मल्टीपल टाइम्स करिएगा ताकि एग्जाम के अंदर, यूपीएससी एग्जाम के अंदर वो मिस्टेक्स ना हो जो आप मिस्टेक्स इन एमसीक्यूज में करेंगे। तो जितनी भी मिस्टेक्स आपको करनी है वो आप इन एमसीक्यूज के अंदर कर दीजिएगा, उसको एनालाइज करिएगा, करेक्ट करिएगा और फिर यूपीएससी एग्जाम में कोशिश करिएगा कि वो रिपीट ना हो। आज के पहले एमसीक्यू पे चलते हैं। फर्स्ट एमसीक्यू इज अबाउट गवर्नमेंट नोटिफाइज मेडिकल डिवाइसेस एज ड्रग्स, कंसर्निंग दिस विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट। तो यहां पे आपको पता है रिसेंटली गवर्नमेंट ने मेडिकल डिवाइसेस को ड्रग, जो नया नोटिफिकेशन निकाला उसे ड्रग कंसीडर किया है, तो यहां पे बताना है कि इसमें कौन सी स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है, कौन सा कथन सही है इस पर्टिकुलर नोटिफिकेशन को लेकर। पहला, नाउ देयर विल बी अ कंपलसरी रजिस्ट्रेशन ऑफ मेडिकल डिवाइसेस। अब क्या होगा, जो मेडिकल डिवाइसेज होते हैं उनका कंपलसरी रजिस्ट्रेशन होगा। हो सकता है इम्प्लांटेबल इक्विपमेंट्स आर नॉट इंक्लूडेड इन दिस कैटेगरी। तो जो इम्प्लांटेबल इक्विपमेंट्स होते हैं, इम्प्लांटेबल मतलब जैसे नी रिप्लेसमेंट हो गया या कुछ और भी आपके बॉडी के अंदर चीजों का इम्प्लांट्स किया जाता है, इम्प्लांट्स डाले जाते हैं, वो अभी इस कैटेगरी में इंक्लूड नहीं करे गए हैं। ये हो सकता है मेडिकल बोर्ड ऑफ इंडिया इज कंसल्टेड बाय गवर्नमेंट बिफोर यूटिलिटी ऑफ एनी मेडिकल डिवाइसेस। तो यहां पर मेडिकल बोर्ड ऑफ इंडिया से कंसल्ट किया जाता है, कौन करता है, गवर्नमेंट करता है, किस चीज के लिए, किसी भी मेडिकल डिवाइस की यूटिलिटी के लिए। हो सकता है यहां पे वीडियो को पॉज करिए, सोचिए इसके बारे में, हमने जो 11th और 12th के जो एमसीक्यूज करे थे वहां पर हमने इस पर्टिकुलर न्यूज के बारे में डिस्कस किया था जहां पर जो आपके मेडिकल डिवाइसेज होते हैं उसको ड्रग जो है वो कंसिडर किया जाएगा एज पर द न्यू नोटिफिकेशन। वीडियो को पॉज करिए, सोचिए, फिर डिस्कस करते हैं। चलिए देखिए, ये तो स्टेप लिया गया, ये लिया गया ताकि जो आप डिवाइसेज आते हैं ना वो उसकी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं होती है, तो क्वालिटी डिवाइसेज प्रोवाइड किए जाएं वेरियस जो वेंडर्स होते हैं उनके द्वारा, तभी ये जो पर्टिकुलर नोटिफिकेशन है वो निकाला गया। तो यहां पे कंपलसरी रजिस्ट्रेशन होगा मेडिकल डिवाइसेज का और अच्छे मेडिकल डिवाइसेज हमारे लिए आ पाएंगे। तो पहली स्टेटमेंट होगी आपकी करेक्ट। अब बात करते हैं क्या इम्प्लांटेबल इक्विपमेंट्स इंक्लूड नहीं किए गए, तो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग क्योंकि इम्प्लांटेबल इक्विपमेंट्स इसके अंदर इंक्लूड करे गए हैं। इसके अलावा जो सीटी स्कैन है, डायलिसिस मशीन है, एमआरआई के इक्विपमेंट्स होते हैं, एक्सरे मशीन है, वो भी इसके अंदर इंक्लूड किए जाएंगे, मतलब उनका भी यहां पर रजिस्ट्रेशन होगा और वो हाई क्वालिटी डिवाइसेज आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। 23 ऐसे डिवाइसेज हैं जो कि अभी ड्रग्स की जो नोटिफिकेशन है, मतलब जिसे ड्रग की तरह कंसिडर किया जाएगा, तो सेकंड स्टेटमेंट आपकी इनकरेक्ट हो जाती है। थर्ड स्टेटमेंट जो है, मेडिकल बोर्ड ऑफ इंडिया किसको कंसल्ट करता है या फिर मेडिकल बोर्ड ऑफ इंडिया को कौन कंसल्ट करता है, मेडिकल बोर्ड ऑफ इंडिया इज कंसल्टेड बाय गवर्नमेंट अगर किसी भी मेडिकल डिवाइसेज की यूटिलिटी के बारे में बताना होता है, तो तीसरी स्टेटमेंट भी हमारी करेक्ट हो जाती है। तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा बी, फर्स्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट बोथ ऑफ देम आर करेक्ट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट जनरल सिस्टम ऑफ प्रेफरेंस, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट। तो जनरल सिस्टम ऑफ प्रेफरेंस के बारे में कौन सा कथन सही है। फर्स्ट स्टेटमेंट को देखते हैं, इंडिया इज वन ऑफ द लार्जेस्ट बेनिफिशरीज अंडर जीएसपी। तो इंडिया एक लार्जेस्ट बेनिफिशरी है जीएसपी, मतलब जनरल सिस्टम ऑफ प्रेफरेंस के अंडर में। हो सकता है अंडर जीएसपी प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट्स आर प्रोवाइडेड, तो जनरल सिस्टम ऑफ प्रेफरेंस के अंदर कुछ प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट्स हैं वो दिए जाते हैं, ये भी हो सकता है। यूनाइटेड स्टेट्स हैज कन्फर्ड जीएसपी प्रिविलेजेस टू इंडिया रिसेंटली, तो यूनाइटेड स्टेट्स ने इंडिया को रिसेंटली जीएसपी की जो प्रिविलेजेस हैं वो दी हैं, ये भी हो सकता है। वीडियो को पॉज करिए, सोचिए, फिर डिस्कस करते हैं। चलिए देखिए, नाम से पता चल रहा है जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंस, तो कुछ ना कुछ प्रेफरेंस इसके अंदर दी जाती होगी, तो सेकंड जो स्टेटमेंट है वो तो कॉमन सेंसिकल हो जाती है, तो वो तो अपने आप ही करेक्ट हो जाएगी, राइट। पहली स्टेटमेंट को देखते हैं, क्या इंडिया वन ऑफ द लार्जेस्ट बेनिफिशरीज है, तो इसका भी आंसर है सही, मतलब ये भी करेक्ट है। होता क्या है, जो इंडस्ट्रियलाइज नेशंस होते हैं ना, इंडस्ट्रियलाइज नेशंस कैसे, कौन कौन से हो गए, जैसे यूएस हो गया, यूके हो गया, जापान हो गया, वो डेवलपिंग कंट्रीज को खासतौर पर, डेवलपिंग कंट्रीज में कौन कौन आएगा, जैसे इंडिया हो गया, ब्राजील हो गया, चाइना हो गया, उनको कुछ प्रेफरेंसेस देते हैं ट्रेड के अंदर,
ठीक है, तो यहां पे उन्हीं प्रेफरेंसेस की बात करी जा रही है। तो यहां पे इंडिया जो है वन ऑफ द लार्जेस्ट बेनिफिशियरी है जीएसपी के अंडर। न्यूज क्या थी? न्यूज ये थी कि यूनाइटेड स्टेट्स ने जीएसपी की जो प्रिविलेजेस है वो इंडिया से ले लिया, मतलब इंडिया को इस जीएसपी से बाहर रखा है यूनाइटेड स्टेट्स ने, इसी वजह से ये न्यूज थी। और तीसरी स्टेटमेंट भी इसी वजह से गलत हो जाती है। अब तक जो बेनिफिट्स हमें मिल रहे थे बींग अ डेवलपिंग कंट्री फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट्स, वो अब बंद हो जाएंगे और इससे ट्रेड के अंदर हमें काफी नुकसान हो सकता है। तो यूनाइटेड स्टेट्स के ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव हैज केप्ट इंडिया आउटसाइड ऑफ लीस्ट डेवलप्ड कंट्री या डेवलपिंग कंट्री की जो लिस्ट थी उसके अंदर से इंडिया को बाहर रखा गया है। तो यहां पे हमारा जो आंसर होगा वो होगा ए। बट ध्यान रखिएगा इसके अंदर आपको कुछ ट्रेडिंग प्रिविलेजेस दी जाती हैं जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंस के अंदर, और यूएस ने हमसे ये जो प्रिविलेज है ये अभी रिसेंटली हमसे ले ली है। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। इन विच सिटी द फर्स्ट एवर बिम्स्टेक कॉन्फ्रेंस ऑन कॉम्बेटिंग ड्रग ट्रैफिकिंग वॉज होस्टेड? तो बिम्स्टेक ने ड्रग, जो एक ड्रग मैनेस है, इससे कॉम्बेट करने के लिए, इससे लड़ने के लिए एक कॉन्फ्रेंस को ऑर्गेनाइज किया था। तो पूछा किस सिटी में ये किया गया था? आपको पता है बिम्स्टेक के अंदर 7 कंट्रीज आती हैं, और ये जो कॉन्फ्रेंस है ये नार्कोटिक कंट्रोल ब्यूरो ने ऑर्गेनाइज करी थी। ठीक है, और आपसे ये पूछा गया किस सिटी में करी गई थी। वीडियो को पॉज करिए, सोचिए, फिर डिस्कस करते हैं। चलिए, तो ये जो ऑर्गेनाइज करी गई थी ये न्यू दिल्ली के अंदर, बी इसका आंसर है, करी गई थी। और यहां पे इंडिया में इसको ऑर्गेनाइज करने का रीजन यही था कि इंडिया की जो लोकेशन है वो ऐसी जगह पे है कि गोल्डन क्रेसेंट में कौन कौन सी कंट्रीज आती है आप मुझे बताइएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और गोल्डन ट्राइंगल है और गोल्डन क्रेसेंट है, ये जो कंट्रीज है ना ये दोनों ही जानी जाती है किस चीज के लिए, ड्रग मैनेज के लिए, और इंडिया इन्हीं कंट्रीज के बीच में कहीं फॉल करता है। ठीक है, और इसी वजह से इंडिया में भी जो ड्रग का काफी व्यापार होता है वो बढ़ता जा रहा है, उसे रोकने के लिए कॉम्बेटिंग ड्रग ट्रैफिकिंग, ये जो कॉन्फ्रेंस थी न्यू दिल्ली के अंदर करी गई थी। यहां पे आपको ये तो पता चल गया, लेकिन मेरे को ये जरूर बताइएगा कि गोल्डन क्रेसेंट में कौन कौन सी कंट्रीज आती है और गोल्डन ट्राइंगल में कौन कौन सी कंट्रीज आती है कॉमेंट सेक्शन के अंदर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सरसाइज और एक्सरसाइज आर कंडक्टेड विद श्रीलंका? तो श्रीलंका के साथ कौन कौन सी एक्सरसाइज करते हैं? नीचे 3 ऑप्शन दिए गए, मित्र शक्ति, स्लीनेक्स एंड कौनकर। वीडियो को पॉज करिए, सोचिए, रिसेंटली हमने इन तीनों के बारे में डिस्कस किया था, फिर इसके बारे में बताते हैं। चलिए, क्वेश्चन पूछने का रीजन यही है क्योंकि रिसेंटली महिंदा राजपक्षा जो थे वो श्रीलंका के जो प्राइम मिनिस्टर है उन्होंने इंडिया में विजिट किया था, और वो काशी विश्वनाथ टेम्पल गए थे वाराणसी के अंदर, और वहां पे महाबोधि जो टेम्पल है उसको भी बोधगया में उन्होंने विजिट किया था। और हम ये भी जानते हैं कि श्रीलंका जो है वो एक डेट ट्रैप में फंसता जा रहा है, उसको लेकर भी हमने जो हमारे प्राइम मिनिस्टर है उनके प्राइम मिनिस्टर के साथ उन्होंने बात करी थी। श्रीलंका हमारा एक नेबर है और इंडिया फर्स्ट पॉलिसी का भी एक पार्ट आता है, काफी इंपॉर्टेंट नेबर है हमारे लिए, राइट? तो ये सब चीजें डिस्कस करी गई जो कि मेंस के हिसाब से इंपॉर्टेंट है, लेकिन अब प्रीलिम्स के हिसाब से क्या इंपॉर्टेंट होता है कि कौन कौन सी एक्सरसाइजेस हम श्रीलंका के साथ करते हैं। तो यहां पे आपने सोच लिया होगा, करेक्ट सोचा होगा कि मित्र शक्ति जो है ऑफकोर्स ये भी हम श्रीलंका के साथ करते हैं, और स्लीनेक्स जो है इसमें तो दोनों का नाम आ ही रहा है, श्रीलंका एंड आई स्टैंड फॉर इंडिया, एक्स स्टैंड फॉर एक्सरसाइज, श्रीलंका इंडिया एक्सरसाइज, ये जो दोनों है मतलब ए इसका करेक्ट आंसर है, वो हम करते हैं किसके साथ? श्रीलंका के साथ। कोंकण मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, कोंकण एक्सरसाइज जो है वो हम यूके के साथ करते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 5 जो कि है कोनार्क टेम्पल के बारे में, और हमें बतानी है इसके लिए कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है और कौन सा कथन सही है। कोनार्क टेम्पल के बारे में 3 स्टेटमेंट यहां पे दी गई है। पहली क्या कहती है? इट इज बिल्ड बाय किंग नरसिंह देव सेकंड। किंग नरसिंह देव सेकंड ने कोनार्क टेम्पल को बनाया था, हो सकता है। इट इज अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, ये भी हो सकता है। द टेम्पल इज डेडिकेटेड टू लॉर्ड विष्णु, ये जो टेम्पल है लॉर्ड विष्णु को डेडिकेट किया हुआ है, हो सकता है। न्यूज में क्यों था वो भी डिस्कस करेंगे, बट सोचिए इसके बारे में पहले, फिर डिस्कस करते हैं। चलिए, तो कोनार्क टेम्पल न्यूज में इसलिए था बिकॉज यूनियन गवर्नमेंट ने इसे प्रिजर्व करने के लिए कहा है। जो आपका कोनार्क टेम्पल है, टेम्पल उड़ीसा के अंदर लोकेट करता है, और सन गॉड को, तो लॉर्ड विष्णु को नहीं, थर्ड स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाएगी, सन गॉड को ये डेडिकेट किया हुआ है, और इसके प्रिजर्वेशन के लिए यूनियन गवर्नमेंट ने अभी बात छेड़ी है कि इसको प्रिजर्व करना है हमें। अब बात आती है क्या ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, तो सेकंड स्टेटमेंट तो हमारी करेक्ट हो जाती है, 1984 के अंदर इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट का स्टेटस मिल गया था, तो सेकंड स्टेटमेंट हमारी करेक्ट हो जाती है। पहले देखते हैं किसे बनवाया, किसने था, तो इसे किंग नरसिंह देव द फर्स्ट ने बनाया था, सेकंड ने नहीं, तो पहली स्टेटमेंट भी आपकी इनकरेक्ट हो गई, आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, अब फेमस किस लिए? द यूनिक फीचर इज जाइगेंटिक चैरियट, यहां पे एक बहुत बड़ा रथ बना हुआ है और जिसके अंदर 7 घोड़े हैं और उसके 24 व्हील्स हैं, मतलब 24 पहिए उसके अंदर लगे हुए हैं, इसी वजह से ये फेमस है। ठीक है, और कोनार्क में कोन प्लस आर्क से बनाया है, कोन का मतलब होता है कोना, दैट इज कॉर्नर, और आर्क का मतलब होता है एरिया, राइट? तो ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, 800 साल पुराना ये एक टेम्पल है जिसके प्रिजर्वेशन के लिए अभी यूनियन गवर्नमेंट ने कहा है, यहां पे आंसर डी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 6 है,
अर्थ गंगा प्रोजेक्ट के बारे में कि इसमें से कौन सी स्टेटमेंट अर्थ गंगा प्रोजेक्ट के लिए ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, कौन सा कथन सही है। पहला, इट इन्वॉल्व सस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, तो अर्थ गंगा प्रोजेक्ट के अंदर हम सस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस की बात कर रहे हैं, हो सकता है। इट हैज ए कंपोनेंट ऑफ वाटर स्पोर्ट्स, तो इसके अंदर वाटर स्पोर्ट्स को ऑर्गेनाइज करने का भी एक कंपोनेंट रखा गया है, हो सकता है। इंडियन वाटरवेज इज वन ऑफ द पिलर्स ऑफ अर्थ गंगा प्रोजेक्ट, तो इंडिया का जो वाटरवेज है, हम आपको पता है कि वाटरवेज जो है सबसे चीप आपका ट्रांसपोर्टेशन का मीडियम है, वो भी इसके अंदर एक पिलर रखा गया है। वीडियो को पॉज करिए, अर्थ गंगा प्रोजेक्ट काफी इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जा सकता है। वीडियो को पॉज करिए, सोचिए क्या आंसर हो सकता है, फिर डिस्कस करते हैं। चलिए, तो हुआ क्या था, नेशनल गंगा काउंसिल की मीटिंग हुई। नेशनल गंगा काउंसिल की मीटिंग में हुआ क्या, वहां पे ये बात छेड़ी गई कि जो नमामि गंगे हमारा प्रोजेक्ट है ना, उसको अर्थ गंगा प्रोजेक्ट में ट्रांसफॉर्म कर देना चाहिए। अब अर्थ गंगा प्रोजेक्ट में ट्रांसफॉर्म करने का मतलब है कि इसमें काफी सारे एलिमेंट्स हैं वो ऐड कर दिए जाएंगे, जैसे कि इसके अंदर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस की गंगा के आसपास उसके बारे में बात करी गई है। गंगा के अंदर ही किसी भी तरीके से वाटर स्पोर्ट्स को बढ़ावा दिया जाए, ताकि जो फॉरेन टूरिस्ट है वो भी आए हमारे यहां पर भी, जो हमारी इकोनॉमी है एक तरीके से हमारी इकोनॉमी टूरिस्ट इकोनॉमी बन पाए, उसके ऊपर भी बात करी गई है। इंडियन वाटरवे सिस्टम के लिए भी जो गंगा है ये काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी, इसके बारे में भी बात करी गई थी। अब यहां पे वाटर स्पोर्ट का इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने की बात करी गई है, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर की, जीरो बजट फार्मिंग की बात करी गई है, कहां पर, ऑन द बैंक्स ऑफ गंगा, और नर्सरी डेवलप करने की भी बात करी गई है, कहां पर, जो गंगा है उसके आसपास। तो ये सारे जो एलिमेंट्स हैं ये नए ऐड करे गए हैं अर्थ गंगा प्रोजेक्ट में, इसलिए कहा है कि नमामि गंगे को ट्रांसफॉर्म करके अर्थ गंगा कर देना चाहिए, मतलब यही है कि ये सारे नए एलिमेंट्स जो है वो भी ऐड कर देने चाहिए। तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, विच इज कंसर्निंग टू केवीआईसी। तो केवीआईसी खादी विलेज इंडस्ट्री कॉर्पोरेशन वर्क्स अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्री, तो जो खादी है वो किसके, किस पर्टिकुलर मिनिस्ट्री के अंडर में आती है, मैं आपको बता दूं, इट्स अ स्टैट्यूटरी बॉडी। तो ये लास्ट टाइम हमने देखा था लॉ कमीशन के बारे में, मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, काफी सारे लोगों ने सही बताया था कि इट इज एन एग्जीक्यूटिव बॉडी, तो ये स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं थी, कौन सी, लॉ कमीशन जो हमारी थी, ना स्टैट्यूटरी बॉडी थी ना कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी थी, इट वॉज एन एग्जीक्यूटिव बॉडी। लेकिन खादी विलेज इंडस्ट्री कॉर्पोरेशन जो है इट इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी, राइट, तो ये स्टैचुटरी बॉडी है। और इसने अभी रिसेंटली एक एडिन व्हील्स करके, दैट इज हनी मिशन जो है, उसके अंदर एक नई इसने जो चीज थी वो कॉन्ट्रीब्यूट करी थी, पिछले वीडियोस में हमने डिस्कस किया था। बट यहां पे आपको बताना है खादी विलेज इंडस्ट्री कॉर्पोरेशन कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर में आती है, क्या ये ट्राइबल अफेयर मिनिस्ट्री के अंडर में आती है, एमएसएमई के अंडर में आती है, एग्रीकल्चर या फिर कॉमर्स मिनिस्ट्री के अंदर आती है। चलिए, तो आंसर हमारा है यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, बी इसका आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहते हैं, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट और यूटी लॉन्च्ड माना कृष्णा कैंपेन, तो कौन से स्टेट या यूटी ने माना कृष्णा कैंपेन को लॉन्च किया है। यहाँ पे चार ऑप्शन दिए गए हैं, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, पुदुचेरी, उड़ीसा। वीडियो को पॉज करिए, ये कैंपेन क्या है इसके बारे में भी देखेंगे, लेकिन पहले ये बताइएगा कि कौन से स्टेट ने इसे लॉन्च किया। चलिए, तो यहाँ पे माना कृष्णा का मतलब है आर कृष्णा, और यहाँ पे कृष्णा का मतलब है कृष्णा रिवर, राइट। तो ये कृष्णा रिवर का क्लीनिंग की बात करी जा रही है, और ये वहीं के डिस्ट्रिक्ट्स जो है, कृष्णा रिवर के आसपास के डिस्ट्रिक्ट वहां पे स्टार्ट किया गया है, क्योंकि कृष्णा रिवर जो है ये इंपॉर्टेंट है किसके लिए, ऑलिव रिडली टर्टल के लिए, ठीक है, ऑलिव रिडली टर्टल्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, और इसी वजह से आंध्र प्रदेश ने ये जो पर्टिकुलर कैंपेन है माना कृष्णा आर कृष्णा टू क्लीन द कृष्णा रिवर, उसके लिए स्टार्ट किया गया है। चलिए, यहां पर एक बार देख लीजिए लोकेशन कृष्णा रिवर की, और यहां पर नॉर्थ टू साउथ भी पूछा जा सकता है, तो महानदी गोदावरी देख लीजिए, नर्मदा, ताप्ती, कावेरी। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 है अबाउट जल जीवन मिशन, तो आपको बताने कि कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है जल जीवन मिशन के बारे में, कौन सा कथन सही है। तो पहली स्टेटमेंट को देखते हैं, द ऑब्जेक्टिव इज टू प्रोवाइड 55 लीटर्स ऑफ वाटर पर पर्सन पर डे टू अर्बन हाउसहोल्ड्स, तो इसके अंदर 55 लीटर पानी जो है हर व्यक्ति को प्रोवाइड किया जाएगा अर्बन एरियाज के अंदर, हो सकता है। फंक्शनल हाउसहोल्ड टैप कनेक्शन दैट इज FHTC विल बी प्रोवाइडेड बाय 2024, तो जो फंक्शनल कनेक्शंस हैं ये कब तक दिए जाएंगे, ये दिए जाएंगे 2024 तक। देन जल जीवन मिशन इज बेस्ड ऑन अ कम्युनिटी अप्रोच टू वाटर, तो कम्युनिटी बेस्ड अप्रोच को फॉलो किया जाता है जल जीवन मिशन के अंदर, ये भी करेक्ट हो सकता है। वीडियो को पॉज करिए, सोचिए, फिर डिस्कस करते हैं। चलिए, तो डिस्कस करते हैं, द ऑब्जेक्टिव क्या है इसका, 55 लीटर पानी देना है इसके अंदर, यस 55 लीटर पानी देना है, लेकिन अर्बन हाउसहोल्ड्स के अंदर नहीं देना है, ये दिस इज टारगेटिंग द रूरल हाउसहोल्ड्स पर डे पर पर्सन, तो पहली स्टेटमेंट आपकी इनकरेक्ट हो जाती है, बिकॉज हम अर्बन एरियाज को नहीं, रूरल एरियाज को यहां पे
टारगेट कर रहे हैं। क्या एफएचटीसी जो है वो 2024 तक प्रोवाइड किए जाएंगे? दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। 2024 तक फंक्शनल हाउसहोल्ड टैप कनेक्शन दिए जाएंगे और ये कम्युनिटी बेस्ड अप्रोच को फॉलो करता है। ये दोनों स्टेटमेंट ठीक है। हमारा जो आंसर होगा वो होगा ए। इसके अंदर जो बाइफर्केशन रहता है नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स के अंदर और सेंटर का जो कंट्रीब्यूशन है 90:10 का रहता है, अदर स्टेट्स के अंदर 50:50 का रहता है और यूटीज के अंदर देखा जाए तो 100% कंट्रीब्यूशन जो है वो सेंटर का रहता है। तो ध्यान रखिएगा आंसर हमारा ए है। चलते हैं लास्ट क्वेश्चन पे आज के। द क्वेश्चन इज अबाउट हम्पी। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट अबाउट हम्पी। तो हम्पी के बारे में कौन सा कथन सही है? सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली सपोर्ट किया है कर्नाटक गवर्नमेंट का डिसीजन कि जो हम्पी के आसपास के जो होटल्स हैं ना उसको डेमोलिश कर देना चाहिए, अदरवाइज यहां पे जो हमारी ये एक साइट है काफी इंपॉर्टेंट साइट, इसको नुकसान हो सकता है। तो यहां पे तीन स्टेटमेंट दिए हम्पी के बारे में, पढ़ते हैं वन बाय वन। इट्स अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट है हम्पी, हो सकता है। इट कंसिस्ट ऑफ रेमिनेंट्स ऑफ विजयनगर एम्पायर, विजयनगर के एम्पायर के जो बचे हुए रेमिनेंट्स थे, रिमेन्स थे, वो उससे ये कंसिस्ट करता है। इट इज लोकेटेड ऑन तुंगभद्रा बेसिन, जो तुंगभद्रा रिवर की बेसिन है उस पर ये लोकेट करता है, ये भी हो सकता है। वीडियो को पॉज करिए, सोचिए इसके बारे में, फिर डिस्कस करते हैं। चलिए, बैकग्राउंड मैंने आपको बता दिया कि जो कर्नाटक गवर्नमेंट का डिसीजन था कि आसपास के होटल्स जो हैं उसको हटा देना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट ने भी इसको सपोर्ट किया है। रीजन सपोर्ट करने का यही है क्योंकि एक यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट है तो काफी इंपॉर्टेंट है इंडिया के लिए फ्रॉम ग्लोबल पर्सपेक्टिव एज वेल, और जो इसकी लोकेशन है वो तुंगभद्रा बेसिन पे है, ये भी बिल्कुल ठीक है, और ये विजयनगर एम्पायर के रेमिनेंट से ही बनी हुई है। तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा डी, क्योंकि तीनों ही स्टेटमेंट ठीक है। एक बार लोकेशन देख लीजिए मैप के ऊपर इसकी, ये कर्नाटका में हम्पी यहां पे लोकेट करता है, राइट। तो ये हम्पी बेसिन भी आप देख सकते हैं। चलिए रिकैप करते हैं, रिकैप को मिस मत करिएगा, विद इन 2 मिनट्स हम इसे कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले हमने डिस्कस किया था मेडिकल डिवाइसेस के बारे में, तो 24 ऐसे मेडिकल डिवाइसेस हैं जिसको ड्रग की कैटेगरी में डाला गया है। इससे हाई क्वालिटी आपको डिवाइसेस आगे फ्यूचर में मिलेंगे। इसके अंदर इम्प्लांटेबल मेडिकल इक्विपमेंट्स भी हैं, सीटी स्कैन्स भी हैं, एमआरआईज के अंदर भी इसको इंक्लूड किया गया है, ठीक है। तो ये सारी चीजें करी गई हैं और इसके बाद मेडिकल बोर्ड ऑफ इंडिया को कंसल्ट कौन करता है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जीएसपी के बारे में था, इसमें प्रेफरेंस दी जाती है इंडिया को, खासतौर पर काफी प्रेफरेंस मिल रही थी, यूएस ने अभी इंडिया को बाहर किया है इससे। देन हमने डिस्कस किया था बिमस्टेक के बारे में, जो कि कॉम्बैटिंग ड्रग ट्रैफिकिंग का जो कॉन्फ्रेंस है वो हुआ है न्यू दिल्ली के अंदर, बिकॉज हम जो है गोल्डन क्रेसेंट और गोल्डन ट्रायंगल के बीच में फॉल करते हैं, और ये मेरे को आप बताने वाले कमेंट सेक्शन में कि ये कंट्रीज कौन सी है। फिर हमने डिस्कस किया था श्रीलंका के बारे में, तो कौन कौन सी एक्सरसाइज करते हैं, मित्र शक्ति और स्लीनेक्स करते हैं, कौन कौन जो थी वो यूके के साथ हम करते थे। देन हमने डिस्कस किया था कोणार्क टेंपल के बारे में, सनगोड को ये डेडिकेटेड है, नरसिंह देव वन ने बनाया था, यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट है और रिसेंटली गवर्नमेंट ने कहा इसे प्रिजर्व करने के लिए, 800 साल पुराना ये हमारा टेंपल है। फेमस किस लिए? यहाँ पे एक चैरियट है जिसके 24 व्हील्स हैं और 7 हॉर्सेज हैं, उसके लिए फेमस है। देन वी डिस्कस्ड अबाउट अर्थ गंगा प्रोजेक्ट, जो कि नमामि गंगे को ट्रांसफॉर्म करके बनाएंगे, वाटर स्पोर्ट्स का एलिमेंट डाला गया है इसके अंदर और इंडियन वाटर वेज का कंपोनेंट भी डाला गया है, साथ में सस्टेनेबल एग्रीकल्चर किया जाएगा और साथ में ही नर्सरीज को डेवलप किया जाएगा। देन केवीआईसी के बारे में, मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज के अंडर में आती है, इट इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी। देन हमने डिस्कस किया था माना कृष्णा कैंपेन, जो कि आंध्र प्रदेश से आता है और क्लीनिंग ऑफ द रिवर के बारे में, हमने लोकेशन भी देखी थी यहाँ पे कृष्णा रिवर की। देन हमने जल जीवन मिशन के बारे में डिस्कस किया था, टैप वाटर बाय 2024 रूरल हाउसहोल्ड्स को प्रोवाइड किए जाएंगे, कम्युनिटी बेस्ड अप्रोच है और इसमें जो 100% कॉन्ट्रीब्यूशन होगा सेंटर का होगा इन द केस ऑफ यूनियन टेरिटरीज। फिर हमने हम्पी के बारे में डिस्कस किया था, सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटका गवर्नमेंट के डिसीजन को सपोर्ट किया है कि यहाँ पे आसपास जो भी होटल्स रेस्ट हाउसेज हैं उनको हटाया जाए, बिकॉज इट्स यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, तुंगभद्रा बेसिन पे बनाई गई है और विजयनगर एम्पायर के रेमिनेंट्स ये बनी है, लोकेशन भी एक बार देख लीजिए। चलिए यहां पर रीकैप हमारा कंप्लीट होता है, मार्क्स देख लेते हैं। ऊपर के दो ब्रैकेट्स में अगर मार्क्स हैं आपके, कांग्रेचुलेशंस, परफॉर्मेंस इज गुड, कंसिस्टेंटली अगर यहां परफॉर्म कर रहे हैं तो करते रहिए, बिकॉज जो भी आप स्ट्रेटजी फॉलो कर रहे हैं वो आपके लिए काम कर रही है। नीचे के अगर ब्रैकेट में आपका स्कोर है इवन देन इट इज ऑल राइट, नेटमोक की एप्लीकेशन पर जाइए, मल्टीपल टाइम प्रैक्टिस करिए, अगर आपने वीडियो को देखते हुए नोट्स बनाया तो उसको भी मल्टीपल टाइम रिवाइज करिए, ताकि जो गलतियां अभी हुई हैं वो यूपीएससी एग्जाम में ना हो। आने वाले जो आपके लेक्चर्स होंगे उसमें द हिंदू इंडियन एक्सप्रेस पीआईबी को एज यूजुअल कवर किया जाएगा। इफ यू वांट टू टॉक टू मी, टेलीग्राम का लिंक नीचे दिया गया है, वहां से आप मेरे को कांटेक्ट कर सकते हैं। देन यू कैन सब्सक्राइब दिस चैनल, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा, इससे आपको आगे आने वाले जितने भी वीडियोज होते हैं एनसीईआरटी के हों, लक्ष्मीकांत के हों, वो टाइम टू टाइम उसका नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस।